नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं। इस समय देश में पांचवें चरण में मतदान चल रहा है। 7 राज्यों की 51 सीटों के लिए मतदाता अपने उम्मीदवारों को भाग्य का फैसला कर रहा है। अगर अभी तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं तो सबसे पहले घर से बाहर निकले, वोट डाल के आए। मैं भी डाल के आई हूँ, आप भी अपना वोट डाल के आए। एक एक वोट बहुत कीमती है, लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। चलिए अब स्वागत कर लेते हैं स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा का और कांग्रेस प्रवक्ता ललिता महरवाल का। 12 सीटों के लिए मतदान हो रहा है नीरज जी, मतदान के लिए उत्साह भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है क्योंकि गर्मी का समय है। तो सुबह सुबह अभी तक जो वोटिंग हुई है अच्छी वोटिंग हुई है, करीब 30-35% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। आप कितना उत्साहित नजर आते हैं इस मतदान प्रतिशत से? देखिए राखी जी, जिस तरह का मतदान सवेरे से हुआ है और जिस तरह सवेरे से ही जो कतारें देखी गई है, वास्तव में उत्साहजनक है। और सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि राजस्थान में मतदान हो रहा है, इस समय जो तापमान है जी वो लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सवेरे 7 बजे जो मतदान शुरू हुई प्रक्रिया, तो यही कारण है कि अब तक 32% ज़्यादा मतदान हो चुका है। तो क्योंकि जैसे सवेरे का समय तय करने के बाद मतदाता सुबह सुबह वोट डालने चले गए, अभी हो सकता है दोपहर बाद में कुछ मतदान की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन फिर शाम को 6 बजे तक है, तो इस बार मतदान पहले से भी ज़्यादा अधिक होगा, प्रतिशत जो है मतदान का बढ़ेगा। पहले चरण में ही 68% मतदान हुआ था जो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा था। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ने वाला, और जो चुनाव आयोग की मुहिम है, मीडिया संस्थानों की मुहिम है और राजनीतिक दलों का भी अपना प्रयास है, तो सबने अपने अपने हिसाब से प्रयास किया है। और जो मतदाता क्योंकि खुद जागरूक भी हुआ है, उसको लगता है ये वक्त है सही चोट करने का, भले ही वो किसी के समर्थन में करे, भले ही किसी के विरोध में करे। और सबसे खास बात है कि इस बार मैं भी कई बूथों पे गया हूँ, तो मतदाता का जो है वो साइलेंट है, मतलब ऐसा किसी ने घर पे झंडी नहीं लगा रखी है, लेकिन वो वोट कहाँ देगा ये वो किसी को बताता नहीं है। मतदान केंद्रों का हमने भी नजारा देखा, तो जैसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता वहां दिखाई देते थे, लोगों को घर से निकाल के लेकर आते थे वोट डालने के लिए, इस बार मतदाता खुद घर से बाहर आ रहा है, उसे खुद वोट डालने की इच्छा है, ये नहीं उसको जोर आजमाइश करके घर से बाहर निकाला जा रहा है। ललिता जी, आप किस तरह देखती हैं, आपने कितना फेवर में मानती हैं इस मतदान को? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, और उसी के चलते आप देखिए कि जो 13 लोकसभा सीटों पर राजस्थान के अंदर मतदान हुआ है उसकी जो परसेंटेज बढ़ी है 68.8%, ये अपने आप में एक बहुत एक लोकतंत्र, एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए एक बहुत खुशखबरी मैं मानती हूँ और एक अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये कि लोकतंत्र के अंदर आज जिस वजह से लोकतंत्र जीवित है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो किया गया, सरकार जो चुनते हैं, तो ये जनता सजग होने लगी है भारत की और अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो चुकी है। तो चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हो, सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एक खुशी की बात आप देखिए कि मैं कंटिन्यू देख रही हूँ कि चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जी, अब उनको भी अब कंधे पे बैठा के ला रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से, कि वो लोग इतना उत्साह मतदान के प्रति है कि वो अपना मतदान जो है अपना दे रहे हैं लोकतंत्र में, अपनी भागीदारी योगदान दे रहे हैं और अपनी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि लोग अब, क्योंकि 5 साल जिस तरीके से वो झेलते हैं कि 5 साल में सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, उसको एक एनालिसिस करते हैं, उसका पूरा एक देखने के बाद में वो उनको समझ आता है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि अभी ये एक ऐसा मौका है जब हमारे भारत का एक कहते हैं भविष्य निश्चित होगा, या जिनने जिस सरकार ने हमारे लिए क्या जो कह के आ रहे हैं क्या किया है, वो सारा कुछ आज के दिन ही निश्चित होगा। तो ये सब अपने अधिकारों के प्रति सजग होके आज सब लोग बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ललिता जी, कितना आश्वस्त है, 25 में से कितनी सीटें कांग्रेस के पास? देखिए, निश्चित लोकसभा सीटों का हमारा जो 25 में से 25 मिशन है, और निश्चित जिस तरीके से बीजेपी सरकार के 5 साल के जो वादे थे और अच्छे दिन लाने के जो वादे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि वो अच्छे दिन नहीं आए हैं, और वो ये जनता ये भी समझ चुकी है भारत की कि जब मोदी जी जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। तो इसीलिए बढ़ चढ़ के जो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं राजस्थान में, आप देखिए राजस्थान में नहीं पूरे भारत में ही,
तो ये सुनिश्चित कर चुकी है कि ये सरकार केवल जुमलों की सरकार है, ये कुशासन की सरकार है। आज युवा बेरोजगार बैठा है, महिला असुरक्षित है, किसानों को उनके फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिला है, नोटबंदी से व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है एक तरह से, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के जो मूल्य हैं वो इन्होंने कहीं ना कहीं उनका ह्रास किया है, और संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने प्रश्न चिन्ह जो लगाया है, आज उनकी स्वायत्तता को उन्होंने खत्म किया है। ये एक बहुत गंभीर लोकतंत्र के लिए एक विषय है। आज मतदाता खड़ा हो चुका है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने लोकतंत्र के लिए अब वो पूरी तरह से खड़ा हुआ है। चाहे वो किसी भी तरीके से विकास के मुद्दों को गौण करके राष्ट्रवाद का सहारा लेकर अगर सामने आता है, तो जनता, आज की युवा पीढ़ी, आज की जनता ये सब जानती है कि ये केवल मात्र जुमलेबाज सरकार है और इन्होंने कोई कार्य 5 साल में विकास का नहीं किया है और बरगलाने का काम करती है, तो जनता नहीं अब बहकाव में। चलिए, आपकी इन बातों का जवाब तो खैर अभी हमारे भाजपा से साथी आने वाले हैं, वो इनका जवाब देंगे, आपकी इन बातों पर हम तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, जनता ने जो बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया कि आज सत्ता का परिवर्तन करने के लिए ही इन्होंने इतना बढ़ चढ़ के, इतनी भीषण गर्मी के अंदर जो बाहर निकली है जनता, तो इनके कुशासन को लेकर ही बाहर निकली है कि आज का ही दिन हमारे पास ऐसा दिन है कि ये इसको वापस 5 साल नहीं झेलना पड़े, इसीलिए बाहर निकले हैं कि इसको हटाना है और वास्तव में अच्छे दिन लेकर आने हैं। लेकिन ये तो अब मतदाता तय कर रहा है कि वो कर क्या रहा है। मतदाता नहीं, वो तो निश्चित, हम तो बोल रहे हैं कि 25 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, आपका अपना तर्क है, भाजपा का अपना तर्क है, ये अंडरकरंट है कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करना चाहते हैं, जिस तरह से माहौल बनाया गया पूरे देश में, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उत्साहित है, वो कम उत्साहित नहीं है। हालांकि मैं आपकी बातों का खुद खंडन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई पार्टी नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार के नाते, क्योंकि उनको लगता है, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे, राखी जी बिल्कुल नहीं सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि कहीं कहीं मोदी की जो लहर देश भर में चल रही है उस लहर का असर है और उस लहर का असर मतदान केंद्रों पर दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह मानना है कि ये अंडरकरंट है, मोदी के खिलाफ लहर चल रही है और हमारे समर्थन में मतदान हो रहा है। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन राकेश जी खुशी की बात यह है कि राजस्थान में जो इन 12 सीटों पर कई ऐसी सीटें थी जो अति संवेदनशील है, संवेदनशील है, वहां पर अभी तक किसी तरह की अनहोनी की खबर नहीं है। ये दोनों के लिए राहत की बात है, हमारे लिए भी राहत की बात है, प्रशासन के लिए भी राहत की बात है, वरना तो पिछले चुनावों के दौरान जो 200 लोकसभा की सीट है वहां पर साथा एक जगह है, वहां पर बिल्कुल जिस तरह से फायरिंग हुई थी, आगजनी हुई थी, तो ऐसी कई घटनाएं लगातार होती थी, लेकिन इस बार काफी ये कुछ भी इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई, तो ये प्रशासन के लिए थोड़ी राहत की बात है और मतदाता भी क्या कि खुलकर वोट दे रहा है। चलिए, मैं आप दोनों से ही एक बात पूछना चाहती हूँ, इस बार ये बात हम वैसे कई बार कर चुके हैं कि प्रत्याशी बिल्कुल गौण थे, वो कोई भी अधिकतर सीटें हैं प्रत्याशी गौण थे, या तो मोदी चुनाव लड़ रहे थे या राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा है, जिस तरह से मोदी जी जयपुर में भी आए तो उन्होंने 4 प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो भी वोट डालोगे सीधा मोदी के खाते में जाएगा जी। कहीं ना कहीं उन्होंने एक भी प्रत्याशी का मंच से नाम ही नहीं लिया, इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी ने पूरा चुनाव खुद के नाम से लड़ा है। उनके नाम, उन्होंने बीजेपी का भी नाम ले लिया, उन्होंने कहा कि मोदी हिंदुस्तान में सत्ता अच्छी तरह कौन संभाल सकता है, क्या मोदी का विकल्प है आपके पास, तो एक तरह से ये पूरा चुनाव मोदी वर्सेज अदर्स लड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश भी यही की है, किसी भी अगर जो प्रत्याशी है, पूर्व में मौजूदा सांसद है, उसके खिलाफ किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी है जी, तो उसको वो नाराजगी वोटों में तब्दील नहीं हो जाए, उसको रोकने का भी तरीका उन्होंने ये अपनाया कि उसको साइलेंट कर दिया कि नहीं भाई, आपका वो, आपकी नाराजगी बोरा जी से हो सकती है जी, किसी और से हो सकती है, लेकिन मोदी जी से नहीं हो सकती, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। तो उन भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि पूरा चुनाव जो है मोदी वर्सेज अदर्श के नाम करने की कोशिश की है, हालांकि कांग्रेस पार्टी स्थानीय प्रत्याशियों के नाम पे चुनाव लड़ा है, जयपुर में ज्योति खंडेलवाल है, ज्योति खंडेलवाल के नाम से चुनाव लड़ा है, अगर कृष्णा पूनिया ग्रामीण में लड़ी तो उनके नाम चुनाव लड़ा है, कोशिश की है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा कहना था कि विपक्ष के पास कोई ऐसा नाम या चेहरा नहीं है जो पीएम का दावेदार हो, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही राहुल गांधी का नाम तय कर रखा है, लेकिन महागठबंधन की बात करें तो वहाँ अखिलेश यादव और मायावती और मुलायम सिंह यादव तो ऐसे कई चेहरे हैं, उधर दूसरी तरफ बात करें राकपा के शरद पवार जी का नाम आता है, कहीं ममता दीदी का नाम आता है, कहीं पर चंद्रबाबू नायडू का नाम आता है, तो विपक्ष में जरूर इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जब
बहुमत आ जाएगा उसके बाद मिल बैठ कर तय करेंगे कौन पीएम बनेगा। फिलहाल तो उनका सबका मकसद एक ही है कि किसी न किसी तरह एन के एन प्रकारन कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए और सत्ता की तरफ जो है। ललिता जी, आप क्या जवाब देंगी मेरे सवाल का? मैंने यही कहा कि प्रत्याशी इस बार गौण दिखाई दिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से प्रत्याशी गौण है बीजेपी सरकार के, वो मोदी जी को बार बार ये कहने की जरूरत कहाँ पड़ रही है कि मुझे देखकर वोट दें, क्योंकि निश्चित रूप से आप ये देखें कि पिछले 5 साल के अंदर जब 25 विधायक पूरे राजस्थान ने इनको दिए, सॉरी 25 सांसद इन्होंने दिए हैं, लेकिन 25 सांसद में आप ये देखें कि जब अभी आंकड़े आए थे तो उसमें से इन्होंने 50% भी इन्होंने कोई काम संसद निधि से नहीं करवाया। सांसद निधि से जो पैसा आता है विकास के लिए, इन्होंने 50% के, मैं तो बोलूँ उससे भी बहुत कम, मतलब कहीं खर्च नहीं किया इन्होंने, और ना ही जनता के बीच में कहीं गए ये, और ना ही उनके दुख दर्द को कहीं समझा इन्होंने। तो उनको पता था कि हमारी हार करारी होने वाली है यहाँ से, क्योंकि जो उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ आमजन ने इनके ऊपर विश्वास जताया था, वो एक कहीं ना कहीं विश्वासघात इन्होंने किया है। और इसीलिए आज मोदी जी को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मैं, मुझे देखकर वोट दीजिए, प्रत्याशी को वोट मत दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि विकास यहां करने के लिए मोदी जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है कि राजस्थान के अंदर विकास हुआ, और राजस्थान क्या पूरी हिंदुस्तान में कहीं विकास नहीं हुआ? आप 10 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, आप काला धन लाने की 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कर रहे थे, आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे थे, आप गंगा की सफाई की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, 370 हटाने की बात कर रहे थे। तो जो अच्छे दिनों की जो बात कर रहे थे, आज वो कहीं भी अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे, और जो विकास की बात ही करके आ रहे थे उन्होंने कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। आज उसके विपरीत आप ये देखिए, 5 करोड़ नौकरियां खत्म हो चुकी है, और जितने भी सरकारी जो सेक्टर थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, वहां भी वो उनको इतना कमजोर कर दिया गया है कि वहां से नौकरी जो सर्विस जो होती है वो खत्म कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, अब जेट एयरवेज देखिए किस तरीके से लोग 20,000 ये माना जाए कि यदि जो मतदान होगा और एयर इंडिया आज खतरे में, बीएसएनएल की हालत देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिलता है तो इसका मतलब लोगों ने उनके कामकाज पे मोर लगा दी। नहीं तो वो मिलेगा ही नहीं ना, वो मिलेगा ही नहीं। नोटबंदी, मैं यही बोल रही हूँ कि नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला हमने लिया है। ये बात तो खैर अभी हम नोटबंदी का जो ऐतिहासिक फैसला, आप कहीं तारीफ नहीं करते, आप बताइए ना हमने ये क्या ये फायदे हुए? लेकिन आप कहीं भी देश में नहीं जाके बोल रहे उनकी पार्टियों की सरकारें।